सो इस वीडियो में इंस्टॉलेशन के दो प्रोसेसेस होने वाले हैं। पहला प्रोसेस ये रहेगा कि हम इसकी नॉब को एडजस्ट करेंगे। दूसरा प्रोसेस ये रहेगा कि इसके अंदर जो जेट लगे होते हैं हम उसके होल को ड्रिल करके बड़ा करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट आपको प्रॉपरली क्लियर समझ में आए कि हमें ये कन्वर्ट क्यों करवाना पड़ता है। सो भैया आपका नाम क्या है? मैं, मेरा नाम अजय शर्मा। तो अब बताइए कि इसको कैसे हमको चेंज करना है। यहाँ से मैम ये गैस वाल होते हैं इसके, इसके अंदर एक पॉइंट दिया होता है जिससे सिम की सेटिंग करी जाती है। अभी इसको पूरा लूज करके नीचे से इसकी सेटिंग यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, तब ये इसको लूज करके तब ये सिम की सेटिंग बैठेगी जिससे ये ताकि कम पे बंद ना हो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया इसको किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो इसके ग्लास की जो वारंटी है वो प्रॉपर 5 ईयर्स है। अगर किसी भी तरीके से हीट से ग्लास ब्रेक होता है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज करके देगी। अगर आपने उसको खुद किसी चीज़ से तोड़ दिया तो कंपनी इस चीज़ को कुछ भी नहीं करके देगी। तो यहाँ पे भैया ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी उन्होंने सेटिंग ही चेंज करनी है। सो अभी भैया इसके जो है स्क्रूज को ढीला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप घर में नहीं कर पाओगे। सो देखते हैं कि कौन सा काम ऐसा है जो हम घर में नहीं कर सकते। सो अब चेक करते हैं कि ये करते क्या है नेक्स्ट स्टेप। आपने किया क्या है इसको खोल के? इसमें जो मैंने जो इसका जो लूज किया था उसके अंदर जो पॉइंट था उसको माइनस करके थोड़ा सा दो चूड़ी उसकी माइनस करी है ताकि वो सिम की सेटिंग पे बंद ना हो। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है कि गैस का फ्लो पीछे से आपने खोला है? जी, जो प्रेशर था उसका पीछे से कम था पहले। अच्छा, उसके प्रेशर को बढ़ाया ताकि वो कम पे बंद ना हो आपका। अच्छा, ठीक है, तो ये तो पहली सेटिंग थी। अब इसके अलावा बाद एक और सेटिंग करनी है, तो आपने ये दो स्क्रूज खोल के चारों का एडजस्ट कर दिया। हाँ जी, ये सारा सिस्टम इसका पूरा खुला है, ये सारे लूज हुए हैं। उसके बाद में ये थोड़ी सी इसकी जो वेल्डिंग पाइप की जो ये है सेटिंग वो चेंज होती है, ये नहीं तो लूज नहीं हो पाएंगे ये। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये गैस वाले इसके। ये गैस वाल है और यहाँ से आपने इसको माइनस किया है सो दैट गैस फ्लो प्रॉपर खुल जाए। तो माइनस किया कैसे, इसको घुमाया? इसके अंदर एक बोल्ट होता है उसको घुमाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। सो मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है भैया से कि उन्होंने प्रॉपरली किया क्या है, तो हम दोबारा करवा के देखते हैं। इसके अंदर ये पॉइंट होता है गैस वाल में। अच्छा, इसको सरकाने के लिए वहां से लूज किया गया, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा माइनस किया जिससे ये सेटिंग चेंज हो गई इसकी। अब ओके, ओके, अब समझ आया कि इन्होंने प्रॉपरली किया क्या है। सो ये वैसे बहुत टफ चीज तो नहीं है, हम भैया से ट्रेनिंग ले लेंगे तो नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली हर चीज की। तो जैसा कि वो हमें सिखा रहे हैं तो अगर हमें भी करना हो तो ताकि हम कर सकें, लेकिन फिर भी जिनको नॉलेज ना हो वो घर पे अपना कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐसे ही खराब ना करें या कुछ भी इस तरीके से छेड़छाड़ ना करें। जब तक भैया इसकी नेक सेटिंग कर रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो बेस है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसका जो बेस है बेस के अंदर ये सारा ना रबड़ का है। तो कहीं पर भी आप इसको गैस को रखेंगे, इसको चूल्हे को अपनी शेल्फ पे या किसी चीज़ के ऊपर भी रखेंगे तो ये स्लिप नहीं करता, ये प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये ऑलमोस्ट हर चूल्हे में ऐसा ही आता है इसका बेस। तो ये क्या चीज़ है भैया? ये मैम इसकी मशीन है, ड्रिल मशीन, इसकी जेट्स जो है ये, ये इसकी मशीन है, इसी से इसके अंदर होल होंगे। अच्छा, अब इनको नेक्स्ट जो है अब होल करने हैं इसके अंदर। ये इसका मेनली पार्ट है जिससे गैस निकलती है, जिसका होल बड़ा करने के बाद प्रेशर इसका सेट होता है। सो ये वाला इसका मेन पार्ट है, जैसे कि भैया बता रहे हैं आप इसके अंदर एक ही बारीक सा होल देख पा रहे होंगे, यहाँ से गैस फ्लो होती है। सो यही छोटा है और इसको इन्होंने ड्रिल करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है सो दैट ये आईजीएल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। सो
सो जैसे कि मैंने आपको ये वाला जेट दिखाया था पहले, इसका जो होल था वो छोटा था, अब इसका होल बड़ा कर दिया है, इसको ड्रिल किया है, यहाँ पर भैया ने अभी ड्रिल किया है, दोनों बड़े वाले जो बर्नर्स थे उनका कर दिया, उनका होल थोड़ा सा बड़ा होगा, अब जो दूसरे वाले छोटे बर्नर्स हैं उसका थोड़ा छोटा होगा। इनके पास ये मैनुअल ड्रिल थी जिससे इन्होंने इसको ड्रिल किया है, ठीक है। अब ये छोटे वाले, ये जो बड़े वाले थे यहाँ पर एक ओपन हो चुका था जिसका हमने ड्रिल कर दिया, एक ये वाला है जिसका हमने ड्रिल कर दिया हुआ है, बड़े कर दिए होल, ये दो बड़े के हो गए। अब ये छोटे वाला है, छोटे वाले के आपको खुद समझ आ जाएगा, ये ऊपर नीचे वाले छोटे हैं तो जहाँ पे इनका पाइप्स जा रहे हैं वहां से ये कनेक्शन हो रहा है। अब ये इन्होंने ड्रिल ये इसका भी कर रहे हैं छोटे वाले का, सो ये मैन्युअली ड्रिल हो रहा है। सो इसके लिए अब ये बिट चेंज कर रहे हैं, पहले इन्होंने बड़ी बिट से थोड़ा सा होल किया था, अब ये छोटी बिट से कर रहे हैं क्योंकि इनको होल छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि छोटी गैस होगी तो कम गैस फ्लो होगा, बड़ी गैस होगी तो ज़्यादा गैस फ्लो होगा उसके हिसाब से। अब ये फोर्थ वन जो है अब वो कर रहे हैं, फोर्थ वाली, इसको बहुत ही केयरफुली किया जाता है क्योंकि भैया ने बताया जैसे कि इसके जो जेट होता है अगर ये मुड़ गया या कुछ भी खराब हो गया तो ये प्रॉपरली चेंज ही होता है, फिर ये पूरा पार्ट ही चेंज होगा, ये सिर्फ जेट से काम नहीं चलेगा, तो इसको बहुत केयरफुली करना है। सो इसलिए घर पे करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज लें फिर ही करें, अदरवाइज टेक्नीशियन को बुला के ही काम करवाएं। इसकी मैं कॉस्ट भी बताऊंगी आपको एंड में कि कंपनी से हमें इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है। सो ये जो है, ये जो ड्रिलिंग हो रही है, ये मैनुअल मशीन है, ड्रिलिंग मशीन जिससे कि ये ड्रिल कर रहे हैं। सो ये भी बहुत ईजी टू यूज़ है एंड बहुत क्यूट सी है, छोटी सी। इसके लिए आपको प्रॉपर मोटर वाली मशीन नहीं चाहिए, मैनुअली इसका काम हो जाएगा। अब ये फोर्थ वन है, बस ये हो जाएगा तो उसके बाद इसको सेट करके सो ये रेडी टू गो हो जाएगा। बस इसके बाद अब इसका पाइप लगाना होगा जो IGL से पीछे से आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कनेक्शन करके किचन में कि कनेक्शन कैसे होता है। इन चारों के जेट के साइज में भी फ़र्क है? नहीं मैम, सिर्फ होल का फर्क है। सिर्फ होल का फर्क है, चारों के जेट का साइज भी सेम है, तो कोई भी इधर उधर मिक्स भी हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ होल आपको चेक करना है कि दो के बड़े और दो के छोटे, पर वो कितने बड़े और कितने छोटे इतनी स्पेसिफिकेशंस आप घर में नहीं मैनेज कर पाओगे। ये भैया कितने बड़े और कितने छोटे कुछ इसका साइज का होता है या ऐसी आइडिया से करते हो? नहीं नहीं मैम, ये साइज होते हैं। अच्छा, ये बिट का साइज है, बिट के साइज से ही होता है। तो इसका बिट कैसे परचेज करी जाती है, क्या बोल के कितने साइज की है? इनके जेट्स के नंबर होते हैं वैसे। अच्छा, इनके ये जो है आपका 180 नंबर का जेट होता है, ठीक है। ये 150 का आपका, ठीक है। ये 120 का, अगर आप जैसे कभी नहीं कर पाते किसी चीज को, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ड्रिल ना करके उसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, हम ड्रिल किया हुआ भी परचेज करके इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके अकॉर्डिंगली ये दो बड़े हैं, ये मीडियम साइज है और ये स्मॉल साइज है, ठीक है। सो अगर आपको इसको घर पे इंस्टॉल करना हो तो आप जैसे हमने फ्रंट से इसकी नोजल को थोड़ा सा माइनस किया था तो उसकी वजह से हमारे को जो गैस फ्लो है थोड़ा सा तेज आएगा, सबसे पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप ये है कि हमें जेट को चेंज करना है। सो जेट आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रिल मशीन खरीद के लानी है और ड्रिल करना है, आप सीधा ही जेट होल हुआ हुआ बड़ा होल हुआ हुआ भी परचेज करके ला सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, तो ये भी इजी है। सो आप घर बैठे इसकी इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हैं। सो इसके जेट की जो कॉस्ट होती है अगर आप कंपनी से परचेज करते हो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की कॉस्ट है। सो आप 100 रुपीज़ के चार ले सकते हो, दैट मीन्स 100 ईच, तो 400 रुपये आपकी जेट की कॉस्ट आ जाएगी जिससे आप घर पे इंस्टॉलेशन करा सकते हो। लेकिन इसके साथ ये है कि आपको इसके लिए बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है बिकॉज आपका प्रोडक्ट कोई ख़राब ना हो। सो हर चीज़ केयरफुली करें, अदरवाइज मेरी सजेशन ये है कि आप टेक्नीशियन को बुलाएं। सो इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 236 रुपीज़ है कंपनी से, अगर आप इसको सिलेंडर पर यूज़ करते। सो जो मैंने आपको अभी पूरा सिस्टम दिखाया वो LPG से IGL में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो 413 प्लस GST है। सो मेरी सजेशन ये है कि आप चार नोजल खरीदेंगे 100-100 रुपए में, तो इससे अच्छा तो आप कंपनी से टेक्नीशियन बुलाएं, वो प्रॉपरली केयरफुली आपका काम करके जाएंगे, तो वो बहुत ही ईजी होगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। ये कंपनी प्राइस है कि 100 रुपीज़ का जेट इसका जो ये मिलता है, आप बाहर से ट्राई कर सकते हैं अगर कम कॉस्ट में मिले और खुद इंस्टॉल करना चाहें तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि 200-400 बचाने में कहीं ये ना हो कि आपका कोई भी पार्ट खराब हो जाए, जैसे कि अभी हम जब ये जेट निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही केयरफुली निकलेगा। ये जेट तो शायद 100 रुपये का मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके साथ ये मिक्सिंग ट्यूब होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये कॉस्ट करती है। अगर ये चीज़ ख़राब हो गई
जहाँ से भी ये निकला है, इसकी चूड़ी खराब हो गई, तो ये पूरी की पूरी ट्यूब चेंज होगी और ये 1500 रुपए की कॉस्ट करेगी। सो वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो टेक्नीशियन बुलाना इज बेटर, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपकी चॉइस हो। अब यहाँ पर जो है, जैसे कि ये न्यू प्रोडक्ट है तो इसके नीचे हमने थर्मोकोल लगाई हुई है, क्योंकि इसके जो स्पार्क प्लग है जिससे कि ये गैस ऑन होती है, वो एक तो बाहर निकले हुए हैं तो वो नीचे बेस पे टच होंगे, उसके टूटने का डर है। उसके बाद ये ग्लास है तो उस पर कोई स्क्रैचेस ना आए। वैसे तो ये ग्लास इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता, लेकिन स्टिल उस पर स्क्रैचेस ना आए। न्यू चूल्हा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमने इसको थर्मोकोल को नीचे रखा है। सो आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि हमारे जो चूल्हे होते हैं उसकी जो ऑटोमेटिक बर्नर्स होते हैं उसके जो स्पार्क प्लग होता है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कहते हैं कि 5-6 महीने में, साल भर में ख़राब हो जाता है, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स भी आपको बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये का पूरा सेटअप है स्पार्क प्लग का सिर्फ। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्पार्क प्लग है जो आगे की तरफ आया हुआ है, मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगी। ये वाला जो स्पार्क प्लग है जिससे स्पार्किंग आती है और गैस जलती है, उसके साथ ये वाली वायर है, ये यहाँ से कनेक्ट होती है और ये यहाँ तक इसमें कनेक्ट हो जाती है। सो ये वाला जो सेटअप है ये अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज में आता है। अगर आपका ये खराब हो जाए तो आप कंपनी में बोलकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये लगवा सकते हैं। सो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑटोमेटिक हम नहीं ले सकते बर्नर्स। ऑटोमेटिक बर्नर्स बहुत ही इजी टू यूज़ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आजकल ट्रेंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ट्रेंड के हिसाब से तो चलना ही है, तो कोई इतनी महंगी चीज़ है नहीं है। सो भैया, अगर इसकी सेटिंग आउट हो जाती है तो क्या इशू होता है और आप सेटिंग क्या कर रहे हो इसके अंदर? इसके जो मैम ये सेंटर मिला रहा हूँ ताकि जो आपके जो नोब्स हैं वो फिट होने के बाद में अटके ना, नहीं तो अगर इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी तो आपके नोब्स अटकेंगे और स्पार्क प्लग जो है वो अपने आप ही कंटिन्यू स्पार्क करता रहेगा। सो ऐसे ही चारों लगेंगे, एक हो चुका है, ये दूसरा लग रहा है, सो ऐसे ही बाकी के रिमेनिंग चारों लगेंगे और ये पैक हो जाएगा। सो यहाँ पर अब कनेक्शन हो रहा है पाइप के अंदर, ये बहुत ही मेन पार्ट होता है इसका, जहाँ से हमारा पीछे से गैस फ्लो करती है। सो ये हमारा जो पाइप है पीछे से आ रहा था और IGL का पाइप है, और वही इसकी जो नोजल है वो उसके अंदर लग रहा है। ये हार्ड हो गया क्या पाइप आगे से? ये हार्ड ही होता है। नहीं तो आप इसको प्रेस करके क्या कर रहे हो? अच्छा, इसको प्रेस करके इसको लूज कर रहे हैं ताकि ये बहुत इजीली मोल्ड हो जाए इसी के साथ और एडजस्ट हो जाए। सो इसके अंदर ये क्लिप लगाया गया है, ये क्लिप क्या है, इसके अंदर अभी पाइप लग गया है, क्लिप लगा के इसको स्क्रू से टाइट किया जाएगा सो दैट ये पाइप बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाए। सो बस अब ये टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद ये वाली जो गैस है रेडी टू यूज है, और इसके बाद अब हम बनाएंगे कुछ मीठा, और मीठा खाने के बाद फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो एडजस्टमेंट है, स्पार्क जो जाए वो प्रॉपर ही इसी के होल्स में जाए, तभी ये गैस जलेगी। सो अब भैया इसकी सेटिंग कर रहे हैं। अगर आपकी भी ये सेटिंग ना हो तो हल्का सा हैंड से ही आप इसको मोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड हैंड से नहीं मोड़ना है, सॉफ्टली करना है इसको ताकि कुछ भी टूटे नहीं। तो इसको आप टर्न करेंगे और ये गैस ऑन हो जाएगी। ये भी लाइटर से जलाई गई है बिकॉज इसका जो नोजल है वो सेट नहीं हुई हुई। अब इसकी जब सेट हो जाएगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक जलेगी बिकॉज ये ऑटो इग्निशन है। पहले चेक करें कि गैस फ्लो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी जो नॉब्स हैं भैया बता रहे हैं कि ये मेटल के हैं, तो इसके ऊपर कोई भी केमिकल की छींट ना पड़े या केमिकल ना यूज़ करो। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ गीले कपड़े से साफ करना है और उसके बाद सूखा कपड़ा मार देना ताकि इसके ऊपर पानी ना रहे। सर्फ से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पर हम सर्फ से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एसिड यूज़ ना करें। वैसे भी ऐसे वाली जो चूल्हा है मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हाँ, इस तरीके से लगाना है टेढ़ा करके ताकि ये चीज़ ना हिले और ना टूटे, क्योंकि ये प्लेट्स ऐसी हैं कि आपको ऑलमोस्ट डेली निकालनी होंगी क्लीन करने के लिए, क्योंकि यही प्लेट्स हैं आपकी जो क्लीन होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, यही प्लेट्स हैं आपकी जो क्लीन होंगी और यहाँ तक नहीं जाएगा, जैसे कि मैं आपको ये ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इसको आपने ऐसे लगाना है आराम से, और ये वाली तो वैसे भी ओपन वाली है, बट ये छोटे वाले में आपको उन्होंने दिखाया है कि इसके अंदर ये राउंड सा होल है, उसके अंदर आराम से डालें इसको। इसके साथ एक ये भी मिला था हमें, ये ग्रिल है, ग्रिल अगर आपको फूला हुआ फुल्का खाना हो तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर गैस पे बर्नर पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद आप यहाँ पर इस फुलके को फुला के खा सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। सो फाइनली इसका स्पार्क प्लग एडजस्ट हो चुका है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिम पे हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो चुकी है, ये तेज़ है
और ये सिम है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर मीठा बनाने वाले हैं और इंजॉय करने वाले हैं। सो जिसके घर में भी LPG पे आपको अगर कनेक्ट करना है, जिसके घर में LPG का मतलब होता है गैस सिलेंडर, तो आप इसको खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो। उस केस में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइप लगाना है ताकि वो रेडी टू यूज़ हो जाए। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिस्क हो सकता है, बिकॉज जो रिस्की काम ये है, गैस के साथ कभी भी हम काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है कि कल को आप किसी भी तरीके से पाइप लगाओ और वो लूज़ हो जाए और गैस लीक होती रहे, सो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप टेक्नीशियन को बुला के करवा सकते हैं, बट जिनको नॉलेज है वो LPG या सिलेंडर वाला जो कनेक्शन है वो खुद कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप किसी और प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन या अनबॉक्सिंग देखना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चूल्हे को परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है और मेरा पर्सनल हैंडल रिद्धिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।